मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? मस्त। एक बार फिर से गायत्री ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो लास्ट डे हमने बात की थी आपसे, लास्ट डे हम बात कर रहे थे अम्ल तथा क्षारों संबंधी परिभाषाएं। अम्ल तथा क्षारों से संबंधित परिभाषाएं। कल हम इन पर आपसे, लास्ट डे हमने आपसे एक बात की थी, तो जिसमें हमने सबसे पहले आपको बताया था, आरहेनियस कॉन्सेप्ट। कल हमने आपको आरहेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। आरहेनियस कॉन्सेप्ट क्या था ये आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हो। आरहेनियस संकल्पना ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। एक बार थोड़ा जल्दी से देखते हैं। देखो बेटा, आरहेनियस के द्वारा जो अपना आधार चुना गया था वो क्या था? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को अपना आधार माना था, और इनको आधार मानते हुए उन्होंने अम्ल तथा क्षार को परिभाषित किया था। कल मैंने आपको बताया था कि जो अम्ल होते हैं आरहेनियस के अनुसार, जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देता है, वो तो कहलाते हैं अम्ल। और जो जलीय विलयन में OH अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके क्षार कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कल, HCl इसको यदि हम जल के अंदर घोलते हैं, जल में घोलते हैं, तो ये क्या प्रदान करता है? हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो ये क्या चीज है? HCl एक अम्ल है। क्या है? अम्ल। ऐसे ही हमने बताया था, जैसे NaOH इनको हम जली जल के अंदर घोलते हैं तो ये जल में हमको कौन से आयन प्रदान करते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं। OH नेगेटिव आयन प्रदान करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके क्षार। ये हमने आपको आरहेनियस के अनुसार अम्ल और क्षारों के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में। तो अब अपना अगला जो कॉन्सेप्ट आता है, अगले जो वैज्ञानिक आते हैं वो आते हैं आपके या दूसरा जो कॉन्सेप्ट है अपना वो है आपका ब्रॉन्स्टेन्स एंड ब्रॉन्स्टेन्स एवं लॉरी संकल्प।
दूसरा कॉन्सेप्ट आपका है प्रोंस्टेड एवं लॉरी संकलन। इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाता, तो बेटा ये मैंने आपको कल बताया था कि ये दो वैज्ञानिक हैं और ये दोनों वैज्ञानिक डेनिस निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? डेनिस रसायनज्ञ थे। इनका यदि पूरा नाम देखें तो ये थे जोहान्स ब्रॉन्स्टेड। एवं लॉरी, इसको बोलते हैं थॉमस एम लॉरी। थॉमस एम लॉरी, तो ये दो वैज्ञानिक थे, एक जोहान्स ब्रॉन्स्टेड एवं थॉमस एम लॉरी। और ये निवासी कहाँ के निवासी थे? दोनों वैज्ञानिक निवासी थे डेनिस के। कहाँ के निवासी थे? डेनिस। तो ये परीक्षा में आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी जो वैज्ञानिक थे कहाँ के निवासी थे? तो ये कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रसायनज्ञ थे? ये डेनिस के निवासी थे, डेनिस रसायनज्ञ थे। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इनके द्वारा सन 1874 से 1936 इनके द्वारा 1874 से 1936 तक अम्ल एवं क्षारों संबंधी प्रयोग किए गए थे। इन्होंने 1874 से 1936 तक अपना कार्य किया था और मैंने आपको इससे संबंधी बताया था कि जो ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी थे उन्होंने अपना आधार किसे माना था? आधार किसे माना था? मैंने पहले बताया था फर्स्ट आधार माना था प्रोटॉन। किसे माना? प्रोटॉन, अर्थात हाइड्रोजन आयन को अपना आधार माना। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के द्वारा अपना आधार किसे माना था? प्रोटॉन, या जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन को अपना आधार मान के अपनी संकल्पना इनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो बेटा प्रोटॉन को हाइड्रोजन आयन क्यों कहते हैं? ये हाइड्रोजन आयन हमने क्यों बोले हैं? ये हाइड्रोजन आयन को ही प्रोटॉन क्यों कह रहे हैं हम? हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन क्यों होते हैं? हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन क्यों होते हैं? इसको प्रोटॉन क्यों बोल रहे हैं हम हाइड्रोजन आयन को? तो बेटा देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं। क्यों? तो देखो, हाइड्रोजन आयन कब बनेंगे? जब कोई भी हाइड्रोजन अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? किसी को दे देगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने आप में से किसी को दे दिया, तभी तो बनता है आयन। देखो बेटा,
ये हाइड्रोजन इसका परमाणु क्रमांक एक और इसका जो द्रव्यमान या परमाणु भार जो होता है वो कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। तो बेटा देखो इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, जो उसका परमाणु क्रमांक होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, प्रोटॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, एक। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, जब प्रोटॉन की संख्या एक है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, एक। और जब न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालनी है तो मैंने बताया था कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाती है, न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाती है। तो बेटा एक में से एक घटाएंगे तो क्या निकल के आ गई अपने पास, जीरो। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, जीरो। अब इसने क्या किया, जो ये इसके पास में इसने हाइड्रोजन आयन बना लिया, इसके पास में ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये जो इलेक्ट्रॉन था, इसने ये इलेक्ट्रॉन अपने आप में से क्या कर दिया, निकाल दिया। तो प्रोटॉन कितने बचे, एक। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन था वो भी किसी को दे दिया, देने पर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह गई, जीरो। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, जीरो। तो इसमें मैंने आपको बताया था आयन कब बनते हैं, आयन कब बनते हैं, बताया था मैंने कि बेटा जब कोई भी परमाणु अपने आप में से इलेक्ट्रॉन देता है या ग्रहण करता है तो क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। तो इसने अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और क्या बना लिया, धन आयन बना लिया, धन आयन। अर्थात ये धनवान है, किसी को धन देने का कार्य करता है। तो इसने धन एक इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर दिया, दे दिया, और कितने धनायन बना लिए, एक धनायन। दो देता तो दो धनायन हो जाते, तीन और तीन देता तो तीन, लेकिन इसके पास एक ही है, उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, एक। केवल उसमें क्या शेष रह गया, प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन आयन के अंदर केवल प्रोटॉन की संख्या एक होती है, न तो इलेक्ट्रॉन होता है न उसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। इसीलिए इसे हाइड्रोजन आयन को क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है, प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना कि हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन क्यों कहते हैं। इसके द्वारा ब्रॉन्स्टेन स्लोरी के द्वारा प्रोटॉन को आधार माना था और इसी प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत। तो बेटा देखो अब हम बात करते हैं इनके अनुसार अम्ल तथा क्षारों से संबंधित। तो देखो बेटा ब्रॉन्स्टेन एवं लोरी के अनुसार अम्ल, अम्ल अम्ल क्या होते हैं, तो देखो वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अर्थात
प्रोटोन दाता, प्रोटोन दाता। दूसरी परिभाषा देखिए तो हम इसी में मैंने जोड़ दिया, प्रोटोन दाता, दाता मतलब देने वाला, प्रोटोन दाता क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्लियर बात? तो ब्रॉन्स्टेन एवं लॉरी के अनुसार अम्ल क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो प्रोटोन देते हैं या प्रोटोन दाता क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्लियर बात? तो इसके अनुसार हम क्षार की परिभाषा देखें। देखो क्षार, तो ये तो दे रहे हैं, ये क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। जैसे जैसे बात करते हैं कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। या दूसरी परिभाषा देखें इसकी, तो अर्थात प्रोटोन दाता हो गए तो वो क्या होंगे? प्रोटोन ग्राही। तो प्रोटोन ग्राही क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। प्रोटोन जो ग्राही होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्लियर बात? तो दोनों को पहले परिभाषाओं को अपने दिमाग में सेट करो, फिर उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से फिर बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है ना? दोनों की परिभाषा देखो पहले, अम्ल कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अर्थात जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो प्रोटॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्लियर बात? देखो एक एग्जांपल देखते हैं आप। जैसे देखो H A प्लस B, इसने इसके लिए एक प्रोटॉन दे दिया, तो प्रोटॉन दे दिया तो ये यहां से प्रोटॉन किसके पास चला गया? इसके पास चला गया। तो इसके पास में बचा क्या? केवल A प्लस, यहां से प्रोटॉन किसने ले लिया? B ने। तो ये क्या बन गया? H B बन गया, ठीक है ना? क्या बन गया? तो मैंने अभी बताया था, दोनों परिभाषाओं को ध्यान करो कि जो प्रोटॉन देने वाले होते हैं तो प्रोटॉन किसने दिया? इसने दिया। तो प्रोटॉन देने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके अम्ल कहलाते हैं। और ग्रहण किसने किया? बी ने किया। तो ये क्या हो जाएगा? और जो ग्रहण करने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। देने वाले अम्ल तथा ग्रहण करने वाले क्षार कहलाते हैं। और जो आपने अब देखे यहां पर, इससे क्या बना? ये बना। और इससे क्या बना? ये बना।
और जो बनने वाले होते हैं वो कहलाते हैं आपके संयुग्मी। क्या कहलाते हैं? संयुग्मी। दोनों बने हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? संयुग्मी हो जाएंगे। और जो संयुग्मी होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल विपरीत होते हैं। इनके क्या होंगे बनने वाले संयुग्मी? विपरीत होते हैं। यदि ये अम्ल है तो बनने वाला संयुग्मी क्या होगा? क्षार होगा। यदि ये क्षार है तो बनने वाला संयुग्मी क्या होगा? अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। क्लियर बात? देखो, इसने प्रोटॉन दिया इसके लिए, तो प्रोटॉन देने वाले तो होते हैं अम्ल, और प्रोटॉन ग्रहण करने वाले होते हैं आपके क्षार। इससे बना ये तो जो बनने वाले होते हैं वो होते हैं आपके संयुग्मी। क्या होते हैं? संयुग्मी। और संयुग्मी का अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। यदि ये अम्ल है तो बनने वाला संयुग्मी क्या होगा? क्षार होगा। और यदि ये क्षार है तो बनने वाला संयुग्मी क्या होगा? अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। ठीक है ना? तो ये देखते अम्ल है ये तो बनने वाला, इससे ये बना है तो बनने वाला संयुग्मी, ये अम्ल है तो संयुग्मी क्या होगा? क्षार होगा। क्या होगा? क्षार। और यदि ये क्षार है तो बनने वाला संयुग्मी क्या होगा? अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल। क्लियर बात? यदि ये अम्ल है तो बनने वाला संयुग्मी उसका क्या होगा? उल्टा होगा, बिल्कुल विपरीत होगा, क्षार होगा। और यदि ये क्षार है तो उसका बनने वाला संयुग्मी क्या होगा? उसका उल्टा क्या होगा? अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। क्लियर बात? ठीक है ना? अब देखते हैं, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं हम। इनके अनुसार देखो, हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे HCl प्लस इसके अंदर HCl के अंदर हम क्या मिलाते हैं? जल मिलाते हैं। तो देखो बेटा, ये यहां से इसके लिए ये प्रोटॉन अर्थात ये हाइड्रोजन यहां से निकलकर यहां पर चली जाती है, अर्थात ये प्रोटॉन, इसने इसको एक प्रोटॉन क्या कर दिया? प्रदान किया। तो क्या बनेगा? देखो यहां से ये इसके पास चला गया तो यहां पे क्या बचा? Cl नेगेटिव प्लस, ये यहां पर चला गया तो H2 है तो कितने हो गए? एक H ये मिल जाएगा तो कितने हो गए? H3O पॉजिटिव। यही बनेगा ना? यही बनेगा ना? ठीक है ना? तो HCl के द्वारा, अब देखो इसने प्रोटॉन दिया है किसी को, और जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। देने वाले क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और जो प्रोटॉन ग्रहण करने वाले होते हैं, इसने प्रोटॉन क्या किया है? ग्रहण किया है। एक हाइड्रोजन आयन इसने क्या किया है? ग्रहण कर लिया है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षार। ठीक है ना? इसने इसको दिया, देने वाले अम्ल, ग्रहण करने वाले क्षार। अब देखते हैं इससे क्या बना? ये बना है। और इससे क्या बना? ये बना है। और बनने वाले क्या होते हैं? संयुग्मी। क्या होते हैं? संयुग्मी।
तो ये भी क्या है? संयुग्मी। और संयुग्मी का अर्थ क्या होता है? उल्टा। यदि ये अम्ल है तो बनने वाला संयुग्मी क्या होगा? क्षार। क्या होगा? क्षार। यदि ये क्षार है तो बनने वाला संयुग्मी क्या होगा? अम्ल। क्या होगा? अम्ल। आई ना बात समझ में? क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो, NH3 NH3 प्लस H2O, ये यहां से एक हाइड्रोजन इसके लिए देता है, एक प्रोटॉन प्रदान करता है, तो क्या बन जाएगा आपका? इसने एक प्रोटॉन ले लिया तो क्या बन गया? NH4 पॉजिटिव। यहां पे क्या शेष रह गया? OH नेगेटिव। ये तो रह गया ना। तो अब देखो बेटा, मैंने बताया अभी कि जो देने वाले होते हैं, दिया किसने? इसने H2O ने दिया है, तो ये दाता है, और जो दाता होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और जो ग्राही, ग्रहण किसने किया है? ये क्या है आपका? ग्राही है। और जो ग्रहण करने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। अब इससे क्या, ये इससे बनने वाला ये, और इससे क्या बना है? ये बनने वाले क्या होते हैं? संयुग्मी। क्या होते हैं? संयुग्मी। बनने वाले संयुग्मी। और संयुग्मी का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो देखो बेटा, संयुग्मी इससे ये बना है, तो ये क्षार है, तो बनने वाला संयुग्मी क्या होगा? अम्ल होगा। यदि ये अम्ल है तो बनने वाला संयुग्मी क्या होगा? क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा। ठीक है ना? क्लियर बात समझ में आई कुछ या नहीं? तो बेटा, एक और यदि आप चाहें तो एक और एग्जांपल लेके हम देख सकते हैं। जैसे HCl प्लस NH3, HCl प्लस NH3, ठीक है ना? अब देखो, ये अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो क्या बन जाएगा? यहां पर क्या शेष रह गया? Cl नेगेटिव प्लस, इसने एक प्रोटॉन ग्रहण किया है, तो ग्रहण करने से क्या बन गया? ये NH4 पॉजिटिव बन गया ना। इसने दिया तो दाता क्या कहलाते हैं? जो देने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो देने वाले होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। देने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और जो ग्रहण करने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो ये क्या हो गया? ग्रहण इसने किया तो ये क्षार, दिया इसने तो ये अम्ल बना। इससे क्या बना है? Cl नेगेटिव। इससे क्या बना है? NH4 पॉजिटिव। और बनने वाले क्या होते हैं? संयुग्मी। क्या होते हैं? संयुग्मी। तो ये इसका संयुग्मी, ये अम्ल है, तो बनने वाला संयुग्मी क्या होगा? क्षार। ये यदि क्षार है तो बनने वाला संयुग्मी क्या होगा? अम्ल। क्या होगा? अम्ल। तो बेटा, हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, HCl था
तो HCl ने अपने आप में से एक प्रोटॉन किसी को माइनस कर दिया, अर्थात दे दिया किसी को, एक प्रोटॉन मैंने किसी को दे दिया। तो बेटा एक प्रोटॉन उन्होंने किसी के लिए दिया है, तो देने वाले क्या होते हैं? देने वाले होते हैं आपके क्या होते हैं? अम्ल। देने वाले क्या होते हैं? अम्ल। इससे बना क्या था? Cl नेगेटिव। और बनने वाले क्या होते हैं? संयुग्मी। और संयुग्मी उल्टा होता है, यदि ये अम्ल है तो ये क्या होगा? क्षार। ठीक है ना, क्षार होगा। ऐसे ही हम बात करें NH3, NH3 से क्या बनाए? NH4 बनाए। NH3 से अर्थात NH3 ने क्या किया? एक किया है, और उससे क्या बन गया? NH4 आयन बने हैं। अब इसने ग्रहण किया है, तो ग्रहण करने वाले क्या होते हैं? क्षार। और बनने वाले क्या होते हैं? उनके संयुग्मी। क्या होते हैं? संयुग्मी। ये क्षार है तो बनने वाला संयुग्मी उसका उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा? संयुग्मी ये क्षार है तो संयुग्मी क्या हो जाएगा? अम्ल। क्लियर? ठीक है ना, और देखते हैं हम, चलो और एग्जांपल लेके देखते हैं। H2SO4, HNO3, HCl, CH3, COOH, H2O, ये सभी हम इनसे संयुग्मी अम्ल और क्षार निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहले HCl, HCl, अब ये अपने आप में से एक प्रोटॉन किसी के लिए क्या कर देता है? दे देता है। दे दिया इसने एक प्रोटॉन, तो यदि ये प्रोटॉन दे रहा है तो देने वाला है तो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। बन क्या जाएगा? यदि इसमें से ये किसी को दे दिया उसने, ये माइनस कर दिया, दे दिया उसने, तो क्या रह गया उसके पास? Cl नेगेटिव। दे दिया तो इससे ये बना है, ये क्या है उसका? संयुग्मी। क्या है? संयुग्मी। ये अम्ल है तो बनने वाले संयुग्मी विपरीत उल्टे होते हैं, क्या हो जाएगा? क्षार। क्या हो जाएगा? क्षार। ऐसे ही H2SO4 ये अपने आप में से एक प्रोटॉन किसी को दे देता है तो क्या बन जाता है? HSO4 नेगेटिव। दे दिया तो HSO4 नेगेटिव, ये दे रहा है H2SO4 दे रहा है, तो ये क्या है? अम्ल है। और बनने वाले क्या होते हैं? संयुग्मी होते हैं, और संयुग्मी हमेशा कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। ये अम्ल है तो ये क्या होगा? बनने वाला संयुग्मी क्षार होगा। और यदि आगे इसको और बढ़ाएं तो ये इस हाइड्रोजन आयन को भी किसी को दे दे इस तरीके से, तो इसके पास में शेष क्या रह गया? SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव रह गया, हाइड्रोजन आयन किसी को दे दिया, तो इसने दिया है तो देने वाला अम्ल, देने वाला अम्ल, बनने वाला क्या होता है? संयुग्मी। और संयुग्मी हमेशा विपरीत होते हैं, ये अम्ल है तो संयुग्मी क्या हो जाएगा? क्षार। क्या हो जाएगा? क्षार। क्लियर बेटा? और देखते हैं आगे, जैसे H2O है, H2O ये अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? निकाल देता है। निकाल दिया
एक प्रोटॉन किसी को दे दिया तो यहां से एक प्रोटॉन चला गया, तो बचा क्या इसके पास में, OH नेगेटिव। तो ये दे रहा है, देने वाले क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और बनने वाले क्या होते हैं, संयुग्मी होते हैं। और संयुग्मी हमेशा कैसे होते हैं, उल्टे, यदि ये अम्ल है तो वो बनने वाला संयुग्मी क्या होगा, क्षार होगा। क्या होगा, क्षार होगा। क्लियर बात। यदि ये OH नेगेटिव एक हाइड्रोजन आयन क्या करता है, ग्रहण करता है, प्लस का मतलब है इसमें प्लस हो रहा है, ग्रहण कर रहा है, एक हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है, ये ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण करने वाले क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ग्रहण करने वाले क्या होते हैं, क्षार। इसने ग्रहण किया, एक एच इसके पास गया तो क्या बन गया, H2। और बनने वाले क्या होते हैं, संयुग्मी होते हैं। ये क्षार है तो संयुग्मी क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। इसी तरीके से देखो, NH3 है, ये एक हाइड्रोजन आयन क्या करता है, ग्रहण करता है, या एक प्रोटॉन ग्रहण करता है, तो NH3 एक प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा, NH4 आयन बना लेगा। इसने एक प्रोटॉन ग्रहण किया है, ग्रहण करने वाले क्या होते हैं, क्षार होते हैं। इससे ये बना है, बनने वाला क्या होता है, संयुग्मी होता है। क्या होता है, संयुग्मी होता है। बनने वाला क्या होता है, संयुग्मी होता है। और संयुग्मी हमेशा उल्टे होते हैं, यदि ये क्षार है तो संयुग्मी क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। क्लियर बात। और बात करें तो देखो, SO4 2 नेगेटिव, यदि ये एक प्रोटॉन ग्रहण करता है, तो ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, HSO4 बनेगा। इसने एक प्रोटॉन ग्रहण किया, क्या बना लिया, HSO4 जुड़ गया इससे एक प्रोटॉन, HSO4। तो इसने ग्रहण किया है तो ये क्या चीज है, क्षार है। इसने एक प्रोटॉन क्या किया है, ग्रहण किया है तो ये क्या चीज है, क्षार। और बनने वाला क्या है, HSO4, क्या कहलाएगा ये, इसका संयुग्मी। और संयुग्मी उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं, ये क्षार है तो ये क्या होगा, अम्ल। आपसे यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि दो प्रकार के संयुग्मी अम्लों के नाम बताइए, या दो प्रकार के संयुग्मी क्षारों के नाम बताइए, यहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरीके के एक या दो नंबर के आपको प्रश्न डाल दिए जाते हैं, या फिर आपसे पूछा जाता है इस तरीके से पदार्थ दे दिए जाते हैं आपको, अम्ल तथा क्षार दे दिए जाते हैं, और उनमें से पहचान कराता है कि निम्न में से आपसे संयुग्मी, निम्न में से संयुग्मी अम्ल तथा संयुग्मी क्षारों की पहचान कीजिए। आपको सभी को एक साथ मिक्स करके दे देता है वो, और उनमें से आपसे पहचान कराता है कि कौन सा संयुग्मी, कौन कौन से इसमें से संयुग्मी अम्ल है और कौन कौन से इसमें संयुग्मी क्षार है। आपसे वो क्या करवाता है, परिभाषित करवाता है, वो सॉरी छटवाने की कोशिश करता है, अलग कराने की कोशिश करता है। क्लियर। तो बेटा आप इस तरीके से इनको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ये हमारी डोंस्टेंस लॉरी अवधारणा है। मैं मानता हूं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी। एक बार एक दो उदाहरण और देखते हैं हम इसके, उसके बाद में तीसरी जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर करेंगे। देखो,
SO4 HSO4 नेगेटिव, ये अपने आप में एक प्रोटॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ये एक प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा, H2SO4 बनाता है। इसने प्रोटॉन ग्रहण किया है तो ये क्या चीज है, प्रोटॉन ग्रहण करने वाले क्या होते हैं, क्षार, और बनने वाला क्या होता है, संयुग्मी होता है। क्या होता है, संयुग्मी होता है। यदि ये क्षार है तो बनने वाला संयुग्मी का अर्थ उल्टा अर्थात विपरीत होता है, संयुग्मी क्या हो जाएगा, क्षार है तो ये अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अम्ल। समझ में आई ना। अब देखो एक और देखते हैं, तो मान लिया H2O, ये अपने आप में से एक हाइड्रोजन आयन क्या करता है, ग्रहण करता है, तो क्या बना लेगा, H3O, अर्थात H3O आयनों को क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसने ग्रहण किया है तो ये क्या है बेटा, ग्रहण किया है तो ये क्या है, क्षार, और बनने वाला क्या होता है, संयुग्मी। संयुग्मी यदि ये क्षार है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, संयुग्मी अम्ल। और यदि हम H3O ये अपने आप में से एक प्रोटॉन किसी को दे दे निकाल के, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाता है। इसने किसी को दिया है तो देने वाले क्या होते हैं, आपके अम्ल होते हैं, क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। बनने वाले क्या होते हैं, संयुग्मी, क्या होते हैं, संयुग्मी। यदि ये अम्ल है तो संयुग्मी उनके क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यदि ये अम्ल है तो संयुग्मी क्या हो जाएगा, क्षार। क्लियर, आसानी से निकाल सकते हो ना, आप पहचान कर सकते हो ना, संयुग्मी क्या होगा। आपको दे दिया H2SO4 का संयुग्मी क्या होगा, संयुग्मी अम्ल क्या होगा। आपको इस तरीके से प्रश्न दे दिया H2SO4 का संयुग्मी अम्ल क्या होगा या संयुग्मी क्षार क्या होगा, पहचान सकते हो ना आसानी से, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो बेटा हम बात करते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट से संबंधित, और तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका लुईस अवधारणा, लुईस अवधारणा। अब देखो लुईस अवधारणा में हम बात करते हैं कि जो लुईस अवधारणा थी वो सर्वमान्य अवधारणा थी। क्यों थी, क्योंकि ब्रॉन्स्टेन्स लॉरी एवं आरेनियस की जो अवधारणाएं थी वो केवल हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन एवं प्रोटॉन युक्त पदार्थों की पहचान से संबंधित थी। और लुईस ने बताया कि भैया कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर न तो हाइड्रोजन होते हैं और न हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं और न ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और वो भी अम्ल तथा क्षारों की तरह व्यवहार करते हैं, तो हम उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो उनकी पहचान केवल लुईस के अनुसार, लुईस संकल्पना के अनुसार की जाती है। इसलिए पहली दोनों जो संकल्पनाएं थी आरेनियस एवं ब्रॉन्स्टेन्स एंड स्लॉरी संकल्पना, इनको मुख्य रूप से अमान्य कर दिया था और एक नई संकल्पना दी थी जिसे बोलते हैं हम लुईस संकल्पना। इसके बारे में बेटा कल बात करेंगे, आपको ये ठीक ढंग से समझने हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो फोन करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो कल हम लुईस अवधारणा पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।